और आगरा से एक और बड़ी खबर है। 6 मकानों के गिरने का मामला है। पीड़ितों को मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुआवजा दिया है। पीड़ितों को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, योगेंद्र उपाध्याय की तरफ से कहा गया है। एडीए अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। आज जो पीड़ित थे उनको 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पीड़ित थे उनको ये राहत राशि देने का ऐलान किया था। और आज मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पीड़ितों के बीच में पहुंचे थे। पीड़ितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज प्रदान की गई है, चेक सौंपा गया है। तो आगरा में बिल्डिंग गिरने के मामले में सीएम योगी ने कल ही मुआवजे का ऐलान किया था। और आज मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा में घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। बहुत सभी संवेदनशील हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपये उस बच्ची के मृतक के परिवारों परिवारीजनों को सहायता राशि और उन जो घायल है उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी। वही मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वहां पर मौजूद एडीए के अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। सुनाते हैं। कोई ने बैक डेट में, मैं खा जाऊंगा उस अधिकारी को जिसने बैक डेट में नोटिस दिया। एडीए ने कहा कि ऑब्जेक्शन सर, ये मैं साफ कह रहा हूँ, या कोई एडीए का अधिकारी हो सुन ले। और एडीएम साहब, सर सर वो किसने बैक डेट में नोटिस दिया है? उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई सर, कार्रवाई शुरू। मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे। मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से। वो आप बख्शेंगे नहीं हम, मैं दूसरे, आप मेरी आदत को जानते हैं। हालांकि इस दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस हादसे के लिए एडीए के साथ ही स्थानीय लोगों को भी जिम्मेदार बताया है। कि एडीए की लापरवाही तो थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जो पीड़ित हुए हैं, उन्होंने उसका कहाँ संज्ञान लिया? क्या उन्होंने किसी अधिकारी को कहा? क्या किसी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को कहा? उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको एडीए को अवगत कराना। लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसमें नगर निगम के, एडीए के और पुलिस के, इलाके पुलिस के, जिनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, वह भी दंडित होंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा।